गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है नीटिंग। ओके, तो इस टॉपिक पे हम नीटिंग पे सीखेंगे कि पहला फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशंस, टर्मिनोलॉजी, लूप फॉर्मेशन एंड कॉमन टर्म जो नीटिंग में यूज होंगी। ओके, सरफेस अपीयरेंस, क्लासिफिकेशन, नीटिंग डिजाइन, सिंगल जर्सी फैब्रिक, डबल जर्सी फैब्रिक एंड वूवन वर्सेस नीटिंग फैब्रिक। ओके, तो ये हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल क्या है? हमें बी जो अल्टीमेट, जैसे हम बी ये पढ़ रहे हैं या टेक्सटाइल्स हैं, तो हमारा क्या काम है? फैब्रिक बनाना। ओके, तो फैब्रिक बनाने के लिए फंडामेंटल्स क्या हैं? पहला हमने वीविंग पढ़ा है, ठीक है, और ये नीटिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेडिंग होता है। ओके, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला क्या है? फाइबर। ओके, फाइबर से हमें यार्न पे कन्वर्ट करना है, यार्न से फैब्रिक में कन्वर्ट करना है, फैब्रिक से गारमेंट, ठीक है। तो जैसे हम फैब्रिक देखें, तो हमारे पास बीविंग, अगर हम बीविंग करते हैं, तो बीविंग करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले फाइबर से यार्न पे कन्वर्ट होगा, फिर यार्न से दो सीरीज के सेट्स बनेंगे, वन सीरीज इज नोन एज वार्प, अदर सीरीज इज नोन एज वेफ्ट, फिर वो दोनों सीरीज मिलके फैब्रिक बनाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से एक ये फंडामेंटल हुआ फैब्रिक बनाने का कि वाया वीविंग। ओके, सेकेंड इसी तरीके से नेट, ठीक है, नीटिंग। तो नीटिंग के कॉन्सेप्ट में भी क्या है? फाइबर से यार्न बनेगा और यार्न से फैब्रिक बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है ब्रेडिंग, तो ब्रेडिंग के थ्रू भी हम एक, ये मतलब डिफरेंट फंडामेंटल्स हैं कि इन पे पर्पज हमारा फैब्रिक बनाना है, लेकिन उसका जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो चेंज होगा, क्योंकि वीविंग का अपना एक यूनिक प्रोसेस है, नीटिंग का अपना एक यूनिक प्रोसेस है, इसी तरीके से ब्रेडिंग का भी अपना एक यूनिक प्रोसेस है। तो हमने अभी तक स्टडी किया है वोवन फैब्रिक का, तो अब हम स्टडी करेंगे नीटिंग फैब्रिक का, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है नॉन वोवन, ठीक है। तो नॉन वोवन में भी फैब्रिक बनते हैं या थिंग्स बनती हैं। तो नॉन वोवन में क्या है कि डायरेक्टली हम फाइबर से फैब्रिक में चले जाते हैं, वहाँ पे हमें यार्न बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिक फंडामेंटल्स में आ रहा है, क्योंकि हमने वीविंग का बहुत स्टडी किया है। तो उसी तरीके से ब्रीडिंग से, वीविंग से थोड़ा डिफरेंट होगा नीटिंग, नीटिंग से डिफरेंट होगा ब्रेडेड, और ब्रेडेड से डिफरेंट होगा नॉन वोवन। तो इनके बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए हमें, फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, ठीक है। इसी को आप देखते हुए हम नेक्स्ट है जैसे इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि कहते हैं यार्न बनाने का, जैसे हम सेम अगर हम कंपेरिजन करते चलें बीविंग के साथ, ठीक है। तो बीविंग में हम क्या करते हैं, फैब्रिक कैसे बन रहा है? इंटरलेसिंग के द्वारा, ड्यू टू इंटरलेसिंग बिटवीन वार्प एंड वेफ्ट बीविंग का फैब्रिक बन रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे नीटिंग में, क्या कह सकते हैं कि इंटरलूपिंग सिस्टम है, इंटरलूपिंग के कारण लूप आपस में बनाते हुए यार्न्स बनाते हैं, ठीक है। ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट मेथड है फैब्रिक फॉर्मेशन का, ठीक है। इस तरीके से भी हम लार्ज स्केल में फैब्रिक बनाते हैं, उसका स्पेशल यूज होता है, ठीक है। ये एक नीडल टेक्निक से डिफाइन किया जा सकता है कि किस हिसाब से हम फैब्रिक नीडल्स का यूज करते हुए हम फैब्रिक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किस हिसाब से डिजाइन फैब्रिक बना रहे हैं, वो इस तरीके से क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। इसका हम और भी कौन कौन सी मशीन यूज है, ठीक है, लूप बनाने का मेथड कैसा है, किस डायरेक्शन पे लूप बना रहे हैं, किस शेप में लूप बना रहे हैं, इन सब चीज़ को देखते हुए हम प्रॉपर्टी और ये सब देखते हुए कर सकते हैं। प्लस नीटेड जो फैब्रिक होगा वो वीविंग फैब्रिक से उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट होगी, वो सब चीज़ें भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नीटेड जो अपने आप में एक टाइप हो गया, ठीक है। अब जैसे हम देखें नीटेड फैब्रिक, तो ये डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमारा क्या है, यार्न, ठीक है। यार्न से कन्वर्ट हुआ एक लूप, ओके। इसी एक लूप को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हमारे पास फैब्रिक आ जाएगा, ठीक है। वीविंग में हम क्या करते हैं कि दो सेट्स ऑफ यार्न लेते हैं, वन सेट इज वार्प एंड अनदर सेट इज वेफ्ट, उन दोनों सेट्स पे इंटरलेसमेंट करा के हम फैब्रिक पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यार्न से डायरेक्ट लूप बनाएंगे, ठीक है। फिर लूप आपस में लूप नंबर ऑफ लूप इंक्लूड करते हुए, यानी एक सीरीज लूप की बनाते हुए हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं इसके, जैसे मोर स्ट्रेचेबल। तो ये क्या होगा कि ये लूप के कारण, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों है ऐसा। अभी ये याद रखो कि ये मोर स्ट्रेचेबल है, यानी जो नीटिंग से बनाए गए फैब्रिक है उनमें स्ट्रेचेबल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको पहले भी बताया गया कि वूवन फैब्रिक में स्ट्रेचेबल क्यों होता है, क्रिम्प के कारण, वार्प वेफ्ट के कारण। तो इस पर क्रिम्प ज़्यादा होगा इसलिए स्ट्रेचेबल ज़्यादा होगा। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होगा और सॉफ्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्ट रिंकल्स
कम होंगे। ओपन, इसका स्ट्रक्चर ओपन है, तो ओपन स्ट्रक्चर के कारण एयर है, ठीक है, वाटर है, या जो भी ट्रांसफ़र करना है वो इजीली होगा इस पर, ठीक है, यानी गुड ट्रांजिशन होगा। मोर पोरोसिटी है, ठीक है, हाई थर्मल रेजिस्टेंस है और लिमिटेड डिजाइन पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हम आपने देखा होगा अनलिमिटेड डिजाइन पॉसिबिलिटीज़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर बीबी वूवन से फैब्रिक देखा होगा तो जब उस पर कोई डिजाइन डाल रहे हैं तो ऑल ओवर जितना फैब्रिक बनेगा उसमें वो डिजाइन रहेगा, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल देखा होगा कि जैसे हम नीटिंग से स्वेटर बनाते हैं, स्वेटर में देखा होगा कि उसका बॉडी पार्ट है, उसका अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके से उसका कॉलर देखोगे तो अलग है, और ये कफ वगैरह देखोगे तो वहाँ पे अलग स्ट्रक्चर है, या स्टार्टिंग पॉइंट है जो भी उसका अलग स्ट्रक्चर है, यानी एक ही सेम ही कपड़े में, सेम ही डिजाइन में डिफरेंट डिजाइन पॉसिबिलिटीज हैं, एक साथ कई चीज़ें को हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये काम करता है नीटिंग का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन। मैं सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इम्पोर्टेंस समझो। जनरली हम किसी चीज़ के बारे में मेथड पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन या यूजेस देखते हैं, लेकिन अभी अगर आप एप्लीकेशन देखो तो आपको समझ में आएगा कि नीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है वीविंग के बराबर, ठीक है। तो जितना हमें कॉन्सेंट्रेट वीविंग में करना है उतनी ही हमें आवश्यकता है नीटिंग की या नीटिंग टेक्नोलॉजी समझने के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज है हौजरी, ठीक है, हौजरी में भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसी तरीके से स्वेटर्स भी हम कई सारे बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो हौजरी, ठीक है, हौजरी में इसका बहुत ज़्यादा, जितने भी हौजरी आइटम्स मार्केट में अवेलेबल है मैक्सिमम नीटिंग से बनाए जाते हैं। स्वेटर्स आपने अच्छे से जानते होंगे, घर पे भी हम हैंड नीटिंग के द्वारा कई सारे स्वेटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, अक्सर देखा होगा घर पे बनाते हुए। इसी तरीके से टी शर्ट जो भी होती हैं वो नीटिंग मटेरियल से होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से डेकोरेशन एंड होम फर्निशिंग, क्या होता है कि नीटिंग से बनाया गया फैब्रिक बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और कोई भी शेप ले सकता है, ठीक है। तो हम इस नीटिंग के फैब्रिक से किसी भी शेप का बना सकते हैं, तो इसलिए डेकोरेशन और होम फर्निशिंग के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शंस है कि जिस हिसाब से हमारा सोफ़ा है या जो भी हमारे डेकोरेटिव पॉट्स हैं, ठीक है, टेबल है, लैंप है, उनके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक उन्हीं के साइज शेप का इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और वो इतना इसमें स्ट्रेचेबल और फिट होता है, कम्फर्ट फिटिंग है कि वो जिस शेप में हम पहनाएंगे या यूज करेंगे वो अकॉर्डिंगली इजीली वो शेप को ले लेता है, ठीक है। इसी तरीके से अंडरवियर्स हैं कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो देखते हुए नीटिंग फैब्रिक मोर सुटेबल है, ओके। इसी तरीके से स्पोर्ट्स, ओके, तो स्पोर्ट्स प्लेयर जो भी होता है तो स्पोर्ट्स के जितने भी आउटफिट होते हैं तो उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, ठीक है, वो बहुत स्पीडली होता है, इसलिए वूवन से ज़्यादा नीटिंग सुटेबल है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके और उस बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने के लिए अलाउ कर सके, ठीक है, अलॉन्ग विद फैब्रिक, ओके। इसी तरीके से मॉस्किटो नेट, क्योंकि नीटिंग में क्या होता है कि इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी परमेबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, एयर और मॉइस्चर इजीली पास हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी होल नहीं है कि मॉस्किटो पास हो सके, ठीक है। इसी तरीके से ई टेक्सटाइल्स है, ओके, ई टेक्सटाइल्स वर्ड क्यों यूज हुआ है, ये थोड़ा टेक्निकली हो गया कि आजकल देखा होगा कि बॉडी हेल्थ से रिलेटेड सबको अपडेट चाहिए, सभी को अपने हेल्थ रिलेटेड जितने भी हैं उनको अपडेट करने के लिए हम कई सारे सेंसर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही भी होता है नीटिंग के टी शर्ट या स्पेशल डिजाइन सूट किए गए जिन पे हमने कई सारे सेंसर लगा दिए हैं, तो वो डे टू डे या टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं कि क्या बॉडीज पे चेंजेस हो रहे हैं, ओके। इसी तरीके से पैकिंग, कई शॉप में देखा होगा या बड़े मॉल्स में देखा होगा या फ्रूट्स वगैरह में देखा होगा, जो भी पोर्ट के मॉल हैं कि जितनी भी पैकिंग होती है तो एक स्पेशल फैब्रिक से पैक किया हुआ होता है, तो वो पैकिंग आइटम्स भी जनरली नीटिंग के बने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एग्रोनेट्स में जितने भी नर्सरी वगैरह आपने देखी होंगी, ठीक है, नर्सरी वगैरह पेड़ पौधे लगाते हैं या उनको बचाने के लिए जो भी कवर करते हैं वो भी नीटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। क्वालिटी इसकी वही है कि ये सनलाइट हो गई या मॉइस्चर हो गया, एयर हो गया है, इसको अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से एक एडवांस यूज जो इसका हो रहा है, शू अपर्स, ठीक है, तो शूज़ देखा होगा पहले आप में बहुत डिफरेंस आ चुके हैं, तो अब नीटिंग फैब्रिक से भी शू के अपर्स बनाए जाते हैं ताकि उनसे भी हमें पैरों को
जो फ्रेश एयर है वो मिलती रहे, ठीक है। इसी तरीके से अब एक नेक्स्ट चलते हैं टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी वो होती है कि इस पूरे टेक्नोलॉजी में, पूरे कॉन्सेप्ट में कितने वर्ड्स यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जितने डिफरेंट है जो आगे हम स्टडी करेंगे कहीं ना कहीं वो यूज होगा। तो जैसे लूप है, कोर्स है, ठीक है, व्हील्स होते हैं, ठीक है, स्टिच होता है, और ये टेक्निकल फ्रंट हो गया, टेक्निकल बैक हो गया, टेक्निकल फेस है, इंटरमेसिंग है, ठीक है, जर्सी है, इस तरीके से कई सारे ऐसी टर्म है जो हम नेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आते हैं लूप फॉर्मेशन, ओके। तो हमने सबसे पहले देखो, अगर बीविंग पढ़ा है तो बीविंग में हमें वार्प पता है, वेप्ट पता है, ठीक है, एंड और पिक पता है, ठीक है। हमारा काम क्या होता है कि वार्प और वेप्ट का इंटरलेसमेंट कराना, यानी हम सबसे पहले डिजाइन बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, पैक प्लान बनाते हैं। अब इस पे लूप है, ठीक है। तो लूप फॉर्मेशन, लूप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो लूप, अब हम लूप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो लूप का जो पहला पार्ट होता है वो हेड, यानी जो अपर पार्ट है, अपर पोर्शन है, वो अपने आप ही बोल रहा है कि मैं हेड हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो हेड के नीचे आओगे वो लेग कहलाते हैं, ठीक है। तो हेड एक हो गया, लेग दो दिख रहे हैं आपको। इसी तरीके से बिल्कुल नीचे आओगे वो फीट कहलाते हैं, ठीक है। एरो मार्क दिखाई दे रहा है फीट के पास भी। और इसी तरीके से ये एक न्यू लूप होता है और एक ओल्ड लूप होता है, और जब कई सारे लूप मिलके बनाते हैं तो वो बगल में आपके डायग्राम शो कर रहा है कि कंटिन्यू लूप कैसे बनाते हैं। तो ये एक लूप फॉर्मेशन है, या लूप के जो जो पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट को हेड बोलते हैं, ठीक है, फिर लेग आते हैं, फिर फीट आते हैं, ठीक है। यही कॉम्बिनेशन मिलके फीट, लेग और हेड आपस में मिलके ही कंटिन्यू लूप बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक वीडियो देखेंगे कि लूप बनता कैसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि कैसा पहले लूप में से दूसरा लूप हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के साथ साथ हमारा नेक्स्ट चलता रहता है कि एक लूप के बाद दूसरा लूप कैसे आया, ओके। इसी तरीके से यह बनाने का प्रोसेस देखोगे, जो घर पे जनरली देखा होगा कि एक लूप से दूसरे लूप पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो यार्न हो गया, यार्न से एक लूप, पहला लूप बनेगा, फिर उसी लूप में कंटिन्यू दूसरा लूप हम इंटर लूपिंग करते जाएंगे, तो वो नीटिंग कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आते हैं थोड़ा इसमें टेक्निकली टर्म कि किसको क्या बोलेंगे। तो अभी तक आप जान चुके हैं कि किसी भी नेट वेयर से अगर हम निकालें, ठीक है, तो एक चीज़ है जो पहली चीज़ है उसको लूप बोलेंगे हम। लूप में इटसेल्फ एक लूप की अगर बात करें तो एक लूप के पास हमेशा हेड है, लेग है और फुट है, यानी एक हेड है। हेड को हमेशा कभी क्राउन भी बोला जाता है, ठीक है, कई कई जगह, क्योंकि ये क्राउन जैसा है या हेड है, जैसा नाम है वैसा है, ठीक है। तो क्राउन भी बोल सकते हैं और हेड भी बोल सकते हैं, तो जनरली, लेकिन हम यूज करेंगे हेड, ठीक है। तो हेड पार्ट एक है, लेग दो हैं और फुट दो हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस जो लेग और हेड मिलके बना रहे हैं, ये निडल लूप है। अब आप कहोगे ये निडल लूप क्यों, क्योंकि ये हमें यार्न पता है, यार्न कैसा होता है हमारा, कंटिन्यूस थ्रेड है, रिगिड तो है नहीं है, सरफेस में रखोगे फॉल हो जाएगा, या जिस सरफेस में हम रखेंगे उस शेप में यार्न कन्वर्ट होगा। तो इसकी इस शेप लाने के लिए इस मशीन्स में, या जिससे हम बनाया जाता है, इस शेप की निडल होती हैं, ठीक है। तो यार्न को इस शेप में कौन कन्वर्ट कर रहा है, निडल कर रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं निडल लूप, ठीक है। क्योंकि इस जो लूप बन रहा है इसका साइज किस पे डिपेंड करेगा, निडल पे, तो निडल पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं निडल लूप, ठीक है। और इसी तरीके से एक निडल लूप जब दूसरे निडल लूप से बनाएगा, ठीक है, तो देख रहे होगे यहाँ पे एक नीचे भी निडल लूप बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बन रहा है, कहते हैं निडल लूप, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्नीकर लूप, ठीक है। जब दो एक लूप पे तो निडल लूप होगा, लेकिन जब दो निडल लूप मिलेंगे तो दोनों के मिलने से, यानी फर्स्ट लूप का एक फुट और दूसरे लूप का एक फुट, दोनों फुट मिला के एक लूप जैसा बनाएंगे, उसे बोलते हैं स्नीकर लूप, ठीक है। तो निडल लूप तो बन रहा है, या ऐसे बोल सकते हो कि निडल लूप है वो बन रहा है लेग के कारण, और स्नीकर लूप बन रहा है दो लूप के कंटिन्यूस फुट के कारण, ओके। तो ये टर्म याद रखना है। अब देखो, हम जैसे थोड़ा सा अगर कंपेरिजन करें प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्या है, हमने बीविंग बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो नीटिंग समझने के लिए भी हम बीविंग के टर्म से समझते हैं, ठीक है। बीविंग में क्या होता है, वार्प और वेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख, आपको खुद समझ में आ गया होगा कि जो ग्रीन है
ग्रीन थ्रेड है वो वार्प है, जो येलो थ्रेड है वो बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे कि वार्प का ये पैसेज दिख रहा है, पाथ दिख रहा है कि फैब्रिक में कैसे वार्प या बेल्ट रहते हैं आपस में इंटरलेसमेंट होने के कारण, ठीक है। तो अगर किसी फैब्रिक से मैं कोई धागा निकालता हूँ, ठीक है, और उसको स्ट्रेच करता हूँ, तो वो उतना एक्सटेंशन होगा जितना उस पर क्रिम्प है, ठीक है। तो क्रिम्प ये हो सकता है मैक्सिमम 20%, ठीक है, अप टू 20% तक हम ऐसा जनरली मानते हैं कि इतना उस पर क्रिम्प होगा कि स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। यानी वोवन फैब्रिक में क्या हुआ, लिमिटेड स्ट्रेच हुआ, ठीक है, पुअर ड्रेप हुआ और टाइट स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं कि नीटिंग में देख रहे होंगे कि लूप है, ठीक है, तो लूप के पास क्रिम्प से ज़्यादा मटेरियल है, ठीक है, लूप के पास क्रिम्प से ज़्यादा मटेरियल है, ओके। तो क्या होगा कि अगर हम किसी नीटेड फैब्रिक को स्ट्रेच करेंगे तो वो वूवन फैब्रिक से कई गुना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा उस नीटेड का यार्न, ये मैक्सिमम 300% तक भी जा सकता है, ठीक है। इसी कारण इस पर क्वालिटी वूवन फैब्रिक से ज़्यादा होंगी, ठीक है, क्योंकि इसका वूवन फैब्रिक का क्रिम्प मैक्सिमम 20% तक हो सकता है, लेकिन नीटेड में लूप के कारण बनाया है, तो अगर हम एक लूप को ओपन करेंगे तो वो उस पर यार्न अमाउंट ऑफ यार्न बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए अगर किसी डायरेक्शन में खींचेंगे तो हम नीटेड फैब्रिक बहुत खींच सकता है, किसी का स्वेटर वगैरह अगर हम खींचते हैं तो वो बहुत दूरी तक आ जाता है, वापस छोड़ेंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम कुछ कॉमन टर्म में आते हैं, जैसे वूवन फैब्रिक में आपने सबसे पहले अच्छे से पता है एंड्स और टिक, ठीक है, तो इसी तरीके से नीटेड फैब्रिक में हम यूज करते हैं वेल्स और कॉर्ड्स, ठीक है। तो जैसे वूवन फैब्रिक में एंड और पिक थे, ठीक है, एंड वर्टिकल लाइन है, पिक हॉरिजेंटल लाइन है, इसी तरीके से नीटेड फैब्रिक जो होता है तो उसके वर्टिकल लाइन थ्रेड में जो लूप का कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं वेल्स, और जो हॉरिजेंटल में है उसको बोलते हैं कॉर्ड्स, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे वेल्स में, जो स्क्रीन में देख रहे हो वेल्स में क्या होगा, जो डार्क रेड कलर से दिख रहा है यानी वर्टिकल लाइन, उसको एक वेल्स बोलेंगे, और जो हॉरिजेंटल लाइन में डार्क कलर दिख रहा है उसको हम एक कोर्स बोलेंगे, क्लियर। इसके और अच्छे से समझते हैं, अब चूंकि हमें एंड और पिक पता चल गया, यानी कोर्स और वेल्स पता चल गया, वूवन फैब्रिक में एंड और पिक हो गया और नीटेड फैब्रिक में कोर्स और वेल्स हो गया, ओके। तो इसी तरीके से अब हम क्या करते थे, वूवन फैब्रिक में EPI और PPI निकालते थे, यानी एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच। तो इसी तरीके से इस पर हम नीटिंग फैब्रिक की डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, कोर्स और वेल्स काउंट करेंगे, ठीक है। उस पर हम काउंट करते थे जैसे एंड्स और पिक एक यूनिट एरिया में काउंट कर रहे हैं, इसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, कोर्स और वेल्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है अगर हमें कोर्स काउंट करना है तो कोर्स में हमने क्या देखा था कि हॉरिजेंटल एक लाइन को, एक लूप के सेट को, एक लूप के सीरीज को जो हॉरिजेंटली जा रहा है उसको हम कोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट एरिया में ऐसे कितने हॉरिजेंटल लाइन हैं या कितने लूप हैं एक सीरीज में, तो उन टोटल को काउंट कर लेंगे तो वो कोर्सेस पर इंच हो जाएंगे या कोर्सेस पर एरिया हो जाएंगे। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन को अगर काउंट करेंगे तो वो वेल्स पर इंच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर पे देख रहे होंगे जो कोर्सेस में क्या है, जो एक लूप की सीरीज है ग्रीन कलर में वो एक कोर्स है, ठीक है। इसी तरीके से वेल्स वाले में देख रहे होंगे कि जो वर्टिकल एक ग्रीन कलर का है वो एक वेल्स है। तो अभी यहाँ पे इस फिगर में कितने हैं, इस फिगर में हमें 3 कोर्स और 3 वेल्स दिख रहे हैं, ओके। आप भी देख पा रहे होंगे 3 कोर्स और 3 वेल्स, ओके। तो आगे चलते हैं, इसी तरीके से अगर हमें काउंट करना है वेल्स पर इंच और कोर्स पर इंच, ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हो कितना है। तो एक सीरी क्या हमें क्या करना होता है कि हम पूरे पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो किसी एक लूप को मान लो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ए से स्टार्ट करता हूँ, तो ए से जाऊँगा मैं, इसके पाथ को फॉलो करूँगा, तो ये मेरा क्या हो गया, एक कोर्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये वेल्स और कोर्स आपको काउंट करना आना चाहिए, अगर आपको EPI PPI काउंट करना आता है तो कोर्स और वेल्स भी काउंट कर सकते हो, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में पाथ को देखते हुए, ओके। जैसे ग्रीन और रेड कलर पे यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस अपीयरेंस। फिर एक चीज़ और आती है फैब्रिक में, आपने देखा होगा वूवन फैब्रिक में सबसे ज़्यादा क्या होता है,
कि कौन सा फेस है और कौन सा बैक है, ठीक है। क्योंकि वूवन फैब्रिक जितना भी होता है तो हम मैक्सिमम वन साइड यूज करते हैं, क्या करते हैं हम उसमें वन साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब वूवन फैब्रिक जो होता है तो उसकी दोनों सरफेस फेस साइड और बैक साइड में डिफरेंस होता है, ओके। जो वूवन फैब्रिक है फेस में और बैक में डिफरेंस होता है, तो हम जनरली वन साइड ही यूज करते हैं, तो हम उसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फेस है कौन सा बैक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कहते हैं इसमें नीटिंग फैब्रिक में जनरली देखा होगा कि हम दोनों साइड यूज करते हैं, हाँ। तो इस पे देखते हैं हम वूवन फैब्रिक में क्या करते हैं, हमें क्लियरली पता होता है कि फ्रंट कौन है और बैक कौन है, ठीक है। लेकिन नीटिंग फैब्रिक में हम क्या करते हैं कि बोथ साइड से यूज करते हैं। कभी देखा होगा कि जो नीटिंग से बना हुआ फैब्रिक है तो उसका दोनों साइड ऐसा डिजाइन है कि हम दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इसे बैक और फ्रंट से नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि हमें डिजाइन बनानी है, ठीक है, तो अगर कस्टमर को देखोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि फेस कौन सा है बैक कौन सा है। लेकिन अगर हम डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें तो ये मशीन में या लूप बनाने में बहुत सा डिफरेंस चाहिए कि किसको कौन सा बैक बोलना है कौन सा फ्रंट बोलना है, किस केस में कौन सी डिजाइन किस साइड आएगा, ठीक है। तो ये देखने के लिए हम इसमें यहाँ पे दो टर्म यूज करते हैं, टेक्निकली बैक और टेक्निकल फ्रंट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि उस डिजाइन में हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं कि मुझे उसका किसी एक फेस साइड अच्छा लग रहा है, किसी दूसरे को उसके अपोजिट साइड अच्छा लग रहा हो, तो उसके लिए वो फेस हो गया, मेरी चॉइस बैक हो गई, मेरे लिए मेरी चॉइस फेस है उसकी चॉइस बैक है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा फेस है कौन सा बैक है नीटिंग फैब्रिक में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टर्म यूज करेंगे टेक्निकल बैक और टेक्निकल फ्रंट, क्योंकि ये टेक्निकल बैक और टेक्निकल फ्रंट रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें डिजाइन क्रिएट करते हुए या डिजाइन को कंस्ट्रक्शन करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि लूप देखा है, लूप में क्या क्या होता है, हेड है लेग है और फीट है। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे कि डिजाइन एक देखेंगे उस पर क्या होगा कि जो हमारा हेड है वो बैक साइड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोल देंगे टेक्निकल बैक, क्योंकि इसका जो लूप कंस्ट्रक्ट कैसा हो रहा है, फिट कहाँ है, हेड फ्रंट पे, लेकिन जो उसका हेड है वो बैक साइड है, ठीक है। तो जो हमें हेड इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसे टेक्निकल बैक बोलेंगे, या रिमेम्बर याद करने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा टेक्निकल बैक वो है जिसपे हेड जिस लूप का हेड बैक साइड बन रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड में देखोगे कि इसका हेड है वो फ्रंट साइड बन रहा है, ठीक है, इसलिए इसको टेक्निकल फ्रंट भी बोल सकते हैं और कई जगह टेक्निकल फेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल फेस और टेक्निकल फ्रंट एक ही चीज़ है, ओके। तो इसको देखते हुए हम फिर से क्लियरली समझो कि हमें लूप से मतलब है, हम यहाँ पे लूप को बता रहे हैं कि कौन सा टेक्निकल फेस है कौन सा टेक्निकल बैक है। तो अगर लूप का हेड बैक साइड बन रहा है तो टेक्निकल बैक है, लूप का हेड फ्रंट साइड बन रहा है तो टेक्निकल फ्रंट है, ओके। तो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे कि कौन सा फेस है कौन सा बैक है सब अपीयरेंस। तो अगर देखो अगर लूप एक देखो लूप वन, ठीक है, तो लूप वन को अगर मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो लूप वन के अभी मैं फीट पे हूँ, फीट से आगे बढ़ूंगा तो ओके, तो लेग देखूंगा। अब ये लूप वन क्या होगा कि इस लूप पर्टिकुलर लूप के जो इसका क्राउन है या हेड है ये बैक साइड बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ टेक्निकली बैक। यानी अब लूप वन सभी पे देखोगे तो सेम केस है, सब पीछे बन रहा है, ठीक है, तो लूप वन क्या हो गया टेक्निकली बैक। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी लूप दिख रहे हैं वो सब टेक्निकली बैक है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, इस पर देखोगे तो इस पर डिफरेंट है, ओके। अगर लूप वन का प्रोसेस फॉलो करोगे तो लूप वन क्या हो रहा है कि जो इसका हेड है वो बैक साइड बन रहा है, ठीक है, बैक साइड बन रहा है यानी टेक्निकल बैक है। लेकिन लूप टू देखोगे तो अगर लूप टू को फॉलो करो जो ब्लू कलर पे, ठीक है, तो लूप टू को फॉलो करने पे उसका हेड फ्रंट साइड बन रहा है, ठीक है, लूप के, इसलिए ये हो गया टेक्निकल फ्रंट, ओके। यानी कि पहला जो लूप वन है वो टेक्निकल बैक है, जो लूप टू है वो टेक्निकल फ्रंट है, ठीक है। इसी तरीके से लूप थ्री क्या हो गया, लूप थ्री का प्रोसेस देखोगे तो टेक्निकल बैक हो गया, ठीक है। अब लूप फोर देखोगे तो वो अनकम्प्लीट है,
ओके तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमें वीविंग फैब्रिक से देखने को मिलेगा कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट है, यानी आप इसको हम कैसे शो करें, ठीक है। तो इसको देखोगे कि कोई लूप है जिसको फोर पॉइंट मिल रहे हैं उसको कवर करने के लिए, कोई लूप है जिसे दो ही पॉइंट मिल रहे हैं कवर करने के लिए, तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि पहले अपीयरेंस कैसे दिखती है, ओके। तो एग्जाम्पल देखने के लिए यहाँ पे दो दिए गए हैं, टेक्निकल बैक और टेक्निकल फेस, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा फैब्रिक पे तो दोनों पे अंतर दिखेगा, ठीक है। अगर टेक्निकल बैक होगा तो ये वाला सेफ आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके क्या दिखेंगे, हेड दिखेंगे, लेग तो बैक साइड जा चुके हैं, तो उस दोनों के जो हमने लूप पे पड़ा हुआ था हेड और स्नीकर, ठीक है, तो हेड और स्नीकर ही सिर्फ दिखाई देते हैं अगर जिस फैब्रिक पे, तो वो होता है टेक्निकल बैक, ठीक है। लेकिन जिसके लेग्स दिखाई देते हैं, ठीक है, लेग दिखाई देते हैं, तो वो होता है टेक्निकल फ्रंट। यानी अगर क्या होगा कि अगर मैं क्या सरफेस का देखूंगा तो मुझे लूप का हेड और स्नीकर पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी क्राउन पार्ट यानी हाफ मून, तो वो टेक्निकल बैक है। लेकिन अगर उसके लेग दिखाई दे रहे हैं सरफेस में दोनों, यानी वी शेप में, ठीक है, तो वो टेक्निकल फ्रंट है, ओके। अब फोर पॉइंट थे, तो अब इसको कवर करने के लिए हम बोलते हैं या तो देखो टर्म कई जगह यूज होती है, फुल लूप या स्टिच लूप, ठीक है, या इंटरमेसिंग पॉइंट। तो सबसे अच्छा समझने के लिए तरीका है कि इंटरमेसिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर हाफ लूप फुल लूप ये अब ऐसे समझ सकते हो कि हमें पता है इंटरमेसिंग पॉइंट, इंटरमेसिंग पॉइंट वो है जो किसी एक लूप को कवर कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक लूप बीच में से किसी एक लूप को इनलार्ज किया तो वहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर लूप को नीचे वाला लूप दो पॉइंट पे कवर कर रहा है, ऊपर वाला लूप भी दो पॉइंट पे कवर कर रहा है, तो यानी इसके फोर इंटरमेसिंग पॉइंट हो गए। तो अगर किसी पर्टिकुलर लूप के पास फोर इंटरमेसिंग पॉइंट है तो यानी वो फुल लूप हुआ, उसके लूप की स्ट्रेंथ अच्छी हुई, ठीक है। लेकिन अगर किसी लूप को अब जैसे इस पॉइंट पे देखोगे तो इस लूप को दो ही इंटरमेसिंग पॉइंट है, यानी इसे सिर्फ नीचे वाला लूप कवर कर रहा है, ऊपर वाला लूप कवर नहीं कर रहा है, यानी ये ऊपर से फ्री है और बस नीचे से टाइट है, तो इस लूप के डिस्ट्रॉय होने के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये भी एक है तरीका है कि लूप में हमें कैसे पता करना है कि किस लूप स्ट्रांग है कौन सा लूप वीक है। तो अगर जिसके पास फोर इंटरमेसिंग पॉइंट है वो लूप स्ट्रांग होगा, जिसके पास दो है या तो दो ऊपर उसके अबव वाला लूप उसे कवर कर सकता है या बिलो वाला लूप कवर कर सकता है, ठीक है, तो उसके स्ट्रांग है कम होगा कंपेरिजन टू जिसके फोर इंटरमेसिंग पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है थोड़ा जल्दी कवर करना है, तो उसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नीटिंग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नीटिंग में क्या होता है कि जनरली दो तरीके से डिवाइड किया गया है, वेप्ड नीटिंग और वार्प नीटिंग, ठीक है। तो अब वेप्ड नीटिंग और वार्प नीटिंग समझने के लिए भी हमें वापस वूवन में चलते हैं, क्योंकि हमने वूवन फैब्रिक अच्छे से पढ़ रखा है तो क्लियरली समझ में आएगा। वूवन में हम वार्प और वेप्ड क्यों डिनोट करते हैं, जो वेप्ड की डायरेक्शन के कारण, अगर कोई चीज वेप्ड के डायरेक्शन में है तो उसके चांसेस है कि उसका नाम हम वेप्ड से रिलेटेड रखेंगे, जो वेप्ड की डायरेक्शन हॉरिजेंटल है। इसी तरीके से जो वार्प की डायरेक्शन में अगर कोई चीज है, कोई बीव है, कोई डिजाइन है, जो वार्प के डायरेक्शन पे बेस है जिसका, तो उसके मैक्सिमम चांसेस हो गए नाम वार्प में रखने के लिए, ठीक है, यानी वार्प का डायरेक्शन है वर्टिकली। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे वेप्ड नीटिंग, तो वेप्ड नीटिंग में अगर किसी आप एक लूप को फॉलो करो, ठीक है, तो स्टार्टिंग का पहला लूप जो फॉलो करोगे तो पहली लाइन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वापस दूसरी लाइन पे गया, वापस दूसरी लाइन से पहली लाइन पे आ जाएगा, फिर दूसरी लाइन पे जाएगा, फिर पहली लाइन पे आ जाएगा, यानी उसका जो पाथ है वो हॉरिजेंटली है, ठीक है। तो ऐसा कोई फैब्रिक, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसके लूप की सीरीज हॉरिजेंटली कंस्ट्रक्ट होती है, ठीक है, उसे हम वेप्ड नीटिंग बोलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखोगे वार्प नीटिंग, ठीक है, तो वार्प नीटिंग में क्या हो जाता है कि जो चीज, ठीक है, वार्प के डायरेक्शन पे चल रही है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में चल रही है, तो अगर इस पे किसी लूप को फॉलो करेंगे तो ये क्या हो गया कि सेकेंड कॉलम से स्टार्ट हुआ, ठीक है,
सेकेंड कॉलम में रहा, वापस थर्ड कॉलम पे गया, फिर सेकेंड कॉलम पे आया, फिर थर्ड कॉलम पे गया, तो ऐसे जिग जैग बनाते हुए वार्प के डायरेक्शन पे लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसे वार्प नीटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक्सरसाइज है कि वेब नीटिंग में कौन कौन से डिजाइंस आती हैं कॉपीराइट, और वार्प नीटिंग में भी कौन कौन सी डिजाइंस आती हैं, तो ये आपका होमवर्क है या इसमें स्टडी करना है, नेक्स्ट क्लास में बताना है। ठीक है, कि किस टाइप की डिजाइन वेब नीटिंग के अंडर आती हैं, किस टाइप की डिजाइन वार्प नीटिंग आती हैं, या उन्हें वार्प नीटिंग में आइडेंटिफाई किया गया है, या उनके कॉपीराइट नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है वेब नीटिंग का और वार्प नीटिंग का। ठीक है, तो वेब नीटिंग में अगर फॉलो देखोगे तो क्या होगा, जो यार्न का मूविंग डायरेक्शन होगा वो फैब्रिक के बेड़ या हॉरिजेंटल लाइन पे होगा, जो वार्प नीटिंग में यार्न यानी लूप का जो डायरेक्शन होगा, मूविंग डायरेक्शन होगा, वो वार्प वाइज यानी वर्टिकल लाइन पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वार्प नीटिंग और वेब नीटिंग हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब मेजर जो इम्पोर्टेंट टर्म है नीटिंग डिजाइन। ठीक है, ओके, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, वीविंग का डिजाइन हम कैसे करते हैं, वार्प लेते हैं और वेब लेते हैं, एंड और पिक लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा एंड किस पिक से अप है, कौन सा एंड किस पिक पे डाउन है, यानी हम इंटरलेसमेंट पॉइंट को डिजाइन करते हैं एक ग्राफ पेपर में, और उससे हमारा डिजाइन निकलता है कि वार्प और वेब्ड आपस में कैसे, वार्प और वेब्ड कैसे इंटरलेसमेंट करेंगे, तो उनका क्या डिजाइन होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या देखा है, नीटिंग डिजाइन करने के लिए लूप है। ठीक है, लूप में भी क्या है, कोर्स है और वेव्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें कोई नीटिंग का डिजाइन कंस्ट्रक्ट करना है, तो जैसे वीविंग में हमें नंबर ऑफ एंड्स और नंबर ऑफ पिक पता होना चाहिए, इसी तरीके से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ कोर्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बता सकते हो कि नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं और कोर्स कितने हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी है और 1 2 3 है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ लिया। ठीक है, हमारे पास 3 हॉरिजेंटल लाइन थी तो हमने 3 लिया, और 4 वर्टिकल लाइन है तो 4 लिया। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए हॉरिजेंटल वर्टिकल बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ओके, फिर इसको हम क्या करेंगे कि हम नंबर 1 को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 कहाँ पे, इस पॉइंट पे, अब इसको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सभी लूप तो एक जैसे हैं। ठीक है, बीविंग में क्या होता था, अगर मार्क है यानी वार्प अप है, वार्प जब बेप्ट के ऊपर से जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड है तो वो अप कहलाएगा यानी मार्क होगा। यहाँ पे तो लूप सब एक जैसे हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखा है कि टेक्निकली बैक होता है और टेक्निकली फ्रंट होता है, यानी टेक्निकली बैक और टेक्निकली फेस, तो हमें ये देखना है कि किस केस में टेक्निकल बैक है और किस केस में टेक्निकली फ्रंट है। ठीक है, तो ये जो पहला फॉलो करेंगे, तो पहले ही सीरीज में हम देखेंगे, पहले ही हॉरिजेंटल लाइन पे जो पहला लूप है वो क्या है, टेक्निकली फेस है या टेक्निकली बैक है, तो पता चला हमें कि टेक्निकली बैक है। ठीक है, तो टेक्निक ये हमने ग्राफ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टेक्निकली बैक के लिए हमने 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे देखा कि जो पहला लूप है, ठीक है, पहली सीरीज का, वो टेक्निकल बैक है तो हमने 0 से डिनोट कर दिया, सेकेंड वाला भी टेक्निकल बैक है तो 0 से डिनोट कर दिया, तीसरा भी टेक्निकल बैक है तो 0 से डिनोट कर दिया, चौथा भी टेक्निकल बैक है तो 0 से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा, हमें क्या पता चल गया कि फर्स्ट लूप फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसकी हमें यानी फर्स्ट हॉरिजेंटल का डिजाइन मिल गया। ठीक है, या तो आप ये डिजाइन देख के देख सकते हो कि कहते हैं पहला लूप टेक्निकल बैक है, दूसरा लूप टेक्निकल बैक है, तीसरा लूप टेक्निकल बैक है, चौथा लूप टेक्निकल बैक है, या फिर आप ये ग्राफ देख के देख रखते हो कि पहले हॉरिजेंटल लाइन के लिए चारों वर्टिकल लाइन पे 0 मार्क है, यानी पहली हॉरिजेंटल लाइन इन चारों वर्टिकल लाइन के साथ जितने भी लूप बनाएगा वो 4 के चारों लूप टेक्निकल बैक होंगे। क्लियर, इसी तरीके से आप सेकेंड को फॉलो करेंगे, तो सेकेंड को फॉलो करने पे भी पहला लूप टेक्निकल बैक है, दूसरा लूप टेक्निकल बैक है, तीसरा लूप टेक्निकल बैक है, चौथा लूप टेक्निकल बैक है, तो इस पे भी हमारे 4 0 से डिनोट हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉप, ओके, तो सेकेंड कोर्स में भी हमने देखा कि जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है,
ठीक है, कोर्स ये है, वेल्स ये है, ठीक है। कोर्स में क्या होगा कि कहते हैं हमारे जितने भी चारों लूप थे, ठीक है, सेकंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को हम अगर फॉलो करेंगे तो लूप वन टेक्निकल बैक, लूप टू टेक्निकल बैक, लूप थ्री टेक्निकल बैक, लूप फोर टेक्निकल बैक, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी सेकंड नंबर को चारों वेल्स पे यानी ए बी सी डी पे जीरो से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो या तो हम यहाँ पे डिजाइन देख के कह सकें कि ये चारों टेक्निकल बैक हैं, या सिर्फ हम ग्राफ देख के भी कह सकते हैं कि जो हमारी सेकंड हॉरिजेंटल लाइन होगी वो चारों वर्टिकल लाइन पे टेक्निकल बैक लूप बनाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फॉलो करें थर्ड को, तो थर्ड में फॉलो करने के लिए क्या होगा कि थर्ड नंबर का देखेंगे तो लूप के साथ, पहले लूप के साथ यानी वेल ए के साथ ये क्या बना रहा है, टेक्निकल बैक, सेकेंड लूप भी टेक्निकल बैक, थर्ड लूप भी टेक्निकल बैक और फोर्थ लूप भी टेक्निकल बैक। तो यहाँ पे फिर वापस ए के साथ टेक्निकल बैक, बी के साथ टेक्निकल बैक, सी के साथ टेक्निकल बैक और डी के साथ टेक्निकल बैक, ठीक है। तो इस डिजाइन में एक्चुअली क्या था कि जितने भी लूप थे सब टेक्निकल बैक थे। तो हम ग्राफ कैसे बनाएगा कि नंबर ऑफ वेल्स कितने हैं वो लिख लेंगे, नंबर ऑफ कोर्सेस कितना है वो आ जाएगा और उन्हीं सभी के साथ जीरो डिनोट हो जाएगा, यानी वो सभी टेक्निकल बैक का लूप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ या डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या इस ग्राफ में हम कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं कि टेक्निकल बैक और टेक्निकल फ्रंट कैसे बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में अच्छे से देखो तो दोनों चीजें टेक्निकल बैक और टेक्निकल फ्रंट भी, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको अगर हमें फॉलो करना है, ठीक है, तो इस पे कितने हैं, चार वर्टिकल लाइन है यानी बेल्स हैं, ठीक है, और चार ही इस पे कोर्स हैं यानी हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए भी हमें 4x4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा 4x4 का। अब इसका अगर हम प्रोसेस फॉलो देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट जो लूप है या फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है या फर्स्ट जो कोर्स है वो बेल्स के साथ कैसा बना रहा है, पहला लूप टेक्निकल बैक, दूसरा लूप टेक्निकल बैक, तीसरा लूप टेक्निकल बैक, चौथा लूप टेक्निकल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, चारों जीरो आ जाएंगे, क्लियर, ए के साथ भी जीरो, बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला जो देख रहे होगे, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में क्या हो रहा है कि जो सेकंड का कोर्स का या सेकंड हॉरिजेंटल लाइन का ए के साथ देखोगे तो इसका जो लूप बन रहा है या जो इसका हेड आ रहा है वो फ्रंट साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टेक्निकल फ्रंट हुआ यानी टेक्निकल फेस हुआ, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा लूप भी देखोगे तो उसका भी हेड फ्रंट की साइड आ रहा है, उसका भी लूप फ्रंट साइड आ रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा, जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ठीक है, तो फ्रंट साइड दिख रहा है। फ्रंट साइड दिखने के कारण इसमें क्या होगा कि जीरो से डिनोट ना करके इसे हम क्रॉस से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो जो सेकेंड लाइन का हमारे पास कोर्स था वो चारों बेल्स यानी चारों वर्टिकल लाइन के साथ टेक्निकल फ्रंट टेक्निकल फेस बना रहा था, इसलिए यहाँ पे हम जीरो से डिनोट ना करके इसको क्रॉस से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो लू कोर्स फर्स्ट है, ठीक है, वो ए के साथ टेक्निकल बैक बना रहा है, बी के साथ टेक्निकल बैक बना रहा है, सी के साथ टेक्निकल बैक बना रहा है, डी के साथ टेक्निकल बैक बना रहा है, लेकिन जो कोर्स टू है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो टू है वो फर्स्ट वर्टिकल लाइन के साथ टेक्निकल फेस लूप बना रहा है, सेकंड के साथ भी टेक्निकल फेस, सी के साथ भी टेक्निकल फेस और डी के साथ भी टेक्निकल फेस। इसी तरीके से हम थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में देखोगे तो पहला लूप टेक्निकल बैक बना रहा है यानी उसका जो लूप है, जो क्राउन है या हेड है वो बैक साइड जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस जीरो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके चारों लूप देखोगे तो वो चारों साइड डिफरेंट साइड है या मतलब बैक साइड है, ठीक है। इसी तरीके से फोर देखोगे, रेड वन, ठीक है, तो रेड वन क्लियर समझ में आ रहा होगा फोर्थ नंबर का कि लूप कैसा बन रहा है, टेक्निकल फ्रंट, क्योंकि इसका जो हेड है वो फेस साइड है यानी ये टेक्निकल फ्रंट है, ठीक है, टेक्निकल फ्रंट टेक्निकल फेस एक ही चीज है। तो फोर नंबर के लिए ए बी सी डी चारों टेक्निकल फ्रंट है और टेक्निकल फ्रंट को हम किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस मार्क से। तो यहाँ पे चारों के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मार्क हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा नीटिंग का डिजाइन कंस्ट्रक्ट करने का एरिया हो गया। या तो हम इस तरीके से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं या दूसरे को बोल सकते हैं कि किस प्रकार से डिजाइन फैब्रिक हमारा कंस्ट्रक्ट होगा, एक रिपीट में कितने कोर्स रहेंगे, कितने वेल्स रहेंगे, कितने लूप रहेंगे, वो लूप कौन सा टेक्निकल फॉर्म करेगा, कौन सा बैक फॉर्म करेगा, या ठीक है इसी तरीके से, या फिर हम यहाँ पे इस डिजाइन से समझा सकते हैं कि हमारे पास कितने कोर्स होंगे, कितने वेल्स होंगे, इस पे भी चार कोर्स है, चार वेल्स हैं, और कौन सा लूप किसके साथ टेक्निकल बैक बनाएगा, कौन सा टेक्निकल फ्रंट बनाएगा, ठीक है, या उन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिजाइन करने का एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से एक टर्म होता है सिंगल जर्सी और डबल जर्सी फैब्रिक, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है और पूछा भी कई बार जाता है, सिंगल जर्सी फैब्रिक क्या है और डबल जर्सी फैब्रिक क्या है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, हमने नीटिंग का फैब्रिक देखा है, वूवन का फैब्रिक देखा है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कंस्ट्रक्ट करने का। तो वूवन के फैब्रिक में क्या होता है, फेस साइड और बैक साइड पे थोड़ा सा क्या होता है, हमें क्लियरली पता चल जाता है कि फेस कौन सा है और बैक कौन सा है, ठीक है। नीटिंग में क्या होगा कि दोनों साइड डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दोनों साइड डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करें अगर कि सिंगल लूप से बनाते हैं जब हम कोई फैब्रिक, ठीक है, किससे बनाते हैं, सिंगल लूप यानी सिंगल नीडल से। तो नीटिंग का जो फैब्रिक बनेगा तो उसके दो सरफेस होंगे, एक सरफेस दूसरे सरफेस से डिफरेंट रहेगी, ठीक है, एक सरफेस दूसरे सरफेस से डिफरेंट रहेगी। तो ऐसे कपड़े को हम बोलते हैं सिंगल जर्सी फैब्रिक, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से एग्जाम्पल समझो कि अगर मैं दो लूप के साथ फैब्रिक कोई बना रहा हूँ, यानी मैंने दो फैब्रिक को अटैच कर दिया बनाते समय ही, ठीक है, अपोजिट करके, तो जो उसकी अपीयरेंस होगी, सरफेस होगी, वो दोनों साइड सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे समझो जैसे पहला जो सेट बन रहा है या पहले निडल या पहले लूप से जो सेट बन रहा है उसका दो सरफेस होगा, ए और बी, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे लूप से या दूसरी लेयर जो कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उसके भी दो सरफेस होंगे, ए और बी, लेकिन इधर मैं बी और बी को दोनों को आपस में जोड़ दूँ तो बी बी सरफेस हो गया इनसाइड, तो आउटसाइड सरफेस क्या क्या रह गई, इस साइड भी ए और उस साइड भी ए, तो दोनों सरफेस सेम हो गई, ठीक है। तो उस टाइम हम बोलते हैं डबल जर्सी फैब्रिक। तो सिंगल जर्सी फैब्रिक में एक ही नीडल से यूज हुआ है, एक ही लेवल है, ठीक है, तो वो सिंगल जर्सी है, उसके दोनों सरफेस अपीयरेंस डिफरेंट होगी एक दूसरे से। डबल जर्सी में क्या होगा कि इसमें दो लेयर है, दो लूप से यूज हुआ है और इसके दोनों साइड के सरफेस सेम होंगे, ठीक है। डबल जर्सी फैब्रिक सिंगल जर्सी फैब्रिक से हैवी होगा, ठीक है, और कई सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, ओके, हैवी भी ज़्यादा होगा, थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, और इसी तरीके से जितने भी क्राइटेरिया है वो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती जाएंगी, क्योंकि वो एक सीरीज है, एक लेयर है, ये दो सीरीज दो लेयर आपस में जुड़ी गई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंगल जर्सी और डबल जर्सी फैब्रिक, इसी तरीके से वूवन वर्सेस नीटेड में हमें क्या करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि वूवन फैब्रिक के बारे में अच्छे से पढ़ा है और निटिंग फैब्रिक में। तो अपीयरेंस में अगर हम बात करें अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वूवन फैब्रिक की अपीयरेंस सेम रहती है फेस और बैक में, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है, कि अगर हम थोड़ा सा लस्चर का ध्यान ना दें अगर, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हमारा जो फैब्रिक का है, वूवन फैब्रिक से जो बनाया गया है, तो प्लेन फैब्रिक अगर हम बनाते हैं तो उसका फेस साइड और बैक साइड एक जैसा होगा, ठीक है, अब सैटिन या ट्विल का छोड़ के, ठीक है, प्लेन फैब्रिक की अगर हम बात करें। लेकिन अगर नीटिंग का अगर हम प्लेन बनाते हैं तो डिफरेंट होगा, क्योंकि एक साइड का स्ट्रक्चर कुछ और दिखेगा सरफेस, दूसरे साइड का स्ट्रक्चर कुछ और दिखेगा, देखा है, एक साइड अगर वी शेप दिखेगी तो एक साइड वो हाफ मून शेप दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से थिकनेस क्या होगी, तो जो वूवन फैब्रिक होता है उसकी थिकनेस बहुत लो होती है, जो नीटेड फैब्रिक है उसकी थिकनेस बहुत हाई होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक्सटेंसिबिलिटी है, तो हमने अच्छे से पता पढ़ा भी है, देखा भी है कि फैब्रिक में मैक्सिमम 20% क्रिम्प हो सकता है, या वूवन फैब्रिक में जितना क्रिम्प होगा उतना ही वो एक्सटेंड कर पाएगा, लेकिन नीटिंग में क्या होगा, लूप्स है वो 300% तक भी एक्सटेंशन कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से टीयर स्ट्रेंथ भी इस पर कम होगी, उस पर ज़्यादा होगी। टीयर स्ट्रेंथ में क्या होगा कि इस पर जो इसका स्ट्रक्चर कम्पैक्ट है, ठीक है, तो नीटिंग में क्या होगा कि लूप है, तो अगर हम उसे नीटिंग को खींचते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लंबी दूरी तक, या मतलब खींचने की शक्ति ज़्यादा है, ठीक है, तो उस पर टीयरिंग या ब्रेक होने के चांसेस कम है।
इसी तरीके से परमेबिलिटी देखोगे तो इसका जो नीटिंग का स्ट्रक्चर है वो ओपन है, वुवन फैब्रिक का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट होने के कारण होल्स कम है। तो अगर कोई चीज़ हम पास करते हैं या एयर का फ्लो देखें या वाटर का फ्लो देखें तो वुवन फैब्रिक से चांसेस कम है पास होने के, लेकिन नीटिंग फैब्रिक से उससे कहीं ज़्यादा चांसेस हैं पास होने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ड्रैप देखोगे तो वोवन फैब्रिक का पुअर है, नीटिंग फैब्रिक का गुड है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग स्टडी कर सकते हैं कि कैसा कैसा डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से इंटरमेसिंग पॉइंट, ओके, इंटरमेसिंग पॉइंट पे हमें क्या देखना है, यहाँ से अगर हमने कोई लूप इंसर्ट किया, ठीक है, लूप, एक लूप को हम देख रहे हैं, तो एक लूप के अबव भी लूप है, बिलो भी लूप है, और राइट साइड भी लूप है और लेफ्ट साइड भी लूप है, ठीक है। तो लूप पे कनेक्शन कैसे हो रहा है या लूप को कौन, एक इसको अगर पर्टिकुलर किसी एक लूप पे देखोगे तो उसे उसके बिलो जो लूप है, नीचे वाला लूप है वो उसको होल्ड कर रहा है और उसके जो ऊपर वाला लूप है वो उससे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कनेक्ट होने के बाद एक इसके इस लूप पर्टिकुलर लूप के जो 2 फिट है वो 2 फिट नीचे वाले लूप के हेड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से जो इसके हेड है वो अपने अबव लूप के 2 फिट से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसके 4 चारों पॉइंट कनेक्ट हो गए, यानी ये 4 इंटरमेसिंग पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये 4 इंटरमेसिंग पॉइंट क्या करेंगे, इस लूप को इधर उधर जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, यानी इसे कॉम्पैक्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो ये इस लूप की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी,